देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनीपत जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की गम्मत गणना चल रही है, जहां पर सबसे ज्यादा लीड जो है गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र खाद्यान्न को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर 10,000 की लीड जो है 5 राउंड जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर 10,000 की लीड जो है देवेंद्र खाद्यान्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सोनीपत विधानसभा की बात करें तो सोनीपत विधानसभा से भी बीजेपी प्रत्याशी निखिल मदान 9557 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं गोहाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो गोहाना विधानसभा क्षेत्र से भी भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा 9497 वोटों से लीड करते हुए आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी कृष्णा गलत जो कि राई से बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनको 156 वोटों की लीड मिलती हुई नजर आ रही है। और बता दें कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भालू जो कि 2917 वोट लेकर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खरखोदा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अब कांग्रेस के प्रत्याशी जयवीर वाल्मीकि जो है 199 वोट लेकर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है उटल फेर होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं बीजेपी आगे चल रही है तो कहीं कांग्रेस आगे चल रही है। और सुबह से ही लगाया जा रहा था कि कांग्रेस जो है बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ सोनीपत की बात कर लें तो 3 सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाई हुए है और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र खाद्यान्न आगे बढ़त बनाए हुए हैं और 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आ रहे हैं। पूरे हरियाणा में जो है उठल फेर होते हुए नजर आ रहे हैं, कभी कांग्रेस आगे निकल रही है तो कभी बीजेपी आगे निकल रही है। और लगातार जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, फिलहाल जो है उतार चढ़ाव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपसे अपील है कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की अपडेट के लिए देशभक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि हर व्यक्ति तक जो भी लोग घर पर बैठा है उसको हर अपडेट मिलती रहे। और देशभक्त के फेसबुक पेज को भी फॉलो आप जरूर कर लें, ताकि छोटी छोटी अपडेट भी आप तक पहुंच सके।